नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जो दृश्य अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कार पानी में डूबी हुई है, लेकिन इसकी वजह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि जानबूझकर पानी में घुसाया गया है, क्योंकि इस कार के अंदर शराब की बोतल रखी गई है। लेकिन लोगों को डर था कहीं इसके अंदर कोई आदमी तो नहीं। उसकी जांच की गई लेकिन आदमी तो नहीं निकला, लेकिन इसके अंदर से शराब की बोतल निकली है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से रस्सी के सहारा लेकर गाड़ी को निकालने का प्रयास किया जा रहा, जो कि आगे ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जा रहा। यहाँ लोगों की भीड़ बता रही है कि यह घटना कितनी ही गंभीर है। वहीं हम आपको बता दें, यह घटना वार्ड नंबर 15 लक्ष्मी सागर तालाब में मिली है। शराब से भरी हुई है यह कार। लोगों की यह सवाल है कि शराब बंद होने के बावजूद इतना मात्रा में शराब कहाँ से आया, और लगातार शराब का मिलना क्या यह प्रमाण नहीं दे रहा कि बिहार में शराब बंद नहीं बल्कि खुला हुआ है। वहीं लगातार सरकार भी नई नई योजना निकाल रही है, जैसा कि आपने हाल ही में सुना होगा कि टीचर को भी शराब की खोज करनी है अगर उसके मोहल्ले में, इस तरह की भी खबर आ रही है। वहीं आप देख सकते हैं कि कार को खींचने की प्रयास किया जा रहा है, लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन काफ़ी मशक्कत काफ़ी मेहनत के बाद कार को खींच लिया गया। आप साफ साफ देख सकते हैं कि पीछे से कांच टूटा हुआ है और शराब की बोतल भी दिख रही होगी। लोग लगातार कई लोगों ने मिलकर प्रयास किया और कार को रस्सी के द्वारा खींचने की कोशिश की जा रही है। वहीं मौके पर SI नारायण ठाकुर भी पहुंचे और जांच की जा रही है। लगा कि उसका आदमी होगा। हम लोग लगभग 7-7:30 बजे वहाँ से चले तो देखे कि गाड़ी यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी और गाड़ी अंदर में गिरी हुई थी। हम लोग किसी तरह से टोचन करके पहले उसको मैं दिखवाया कि कोई आदमी तो नहीं ना है, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि आदमी नहीं है। हम लोग टोचन करके गाड़ी को बाहर निकाले जिसमें शराब भरा हुआ है। कितना शराब है ये अभी काउंटिंग नहीं किए हैं, काउंटिंग आप लोग भी देख लीजिए कितना है। वैगन आर है सर? जी जी सर, तालाब से निकाले क्यों कर रहे हैं? मैंने लक्ष्मी सागर समझे सुदेश्वर लाल एक्साइज इंस्पेक्टर दरभंगा। सर लोग अफरा तफरी का माहौल क्यों बनाए हुए हैं? माहौल बस शराब का लेने के लिए। नहीं लेने के लिए तो नहीं, जो एगो ले लेगा वीडियो चला जाएगा पटना, सारे लोग अरेस्ट हो जाएंगे। अभी नीतीश में ये सब नहीं है, जिनका वीडियो चला गया उनको घर से खींच करके निकाल के लेके कुछ पब्लिक लोग भी सहयोग किए हैं। हाँ पब्लिक का सहयोग है, पब्लिक का बहुत सहयोग किया।